बढ़ने के साथ में तो हड्डियों के अंदर काफी सारी समस्याएं होने लगती है, जैसे कि बहुत तेज दर्द होने लगता है शरीर के अंदर, घुटनों में दर्द हो सकता है, कोहनी में दर्द हो सकता है, कंधों में दर्द हो सकता है, या गर्दन में दर्द हो सकता है, या फिर आपके फिंगर्स के अंदर भी दर्द महसूस हो सकता है। शरीर की हड्डियां अगर कमजोर हो रही होती है तो शरीर में कहीं पर भी दर्द महसूस हो सकता है। आज जो मैं आपके लिए उपाय लेकर आई हूँ वह हड्डियों को एकदम से मजबूत करेगा, साथ में आपके शरीर में अगर कई तरह के रोग आ रहे हो तो उनको भी ये पूरी तरह से क्योर करेगा। यानी नेचुरल रेमेडी को अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर में एक नहीं बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है, और अगर हम इनका सेवन लगातार करते हैं तो हमारे शरीर में कोई बीमारी रहती भी नहीं। आज इस रेमेडी की बात मैं करूंगी वह बहुत ही नेचुरल है और इसका सेवन आप हमेशा कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ में अगर बोन्स कमजोर हो रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो रही है तो फिर भी आपको समझ में आता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बिना कारण ही, जैसे कि उम्र भी नहीं बढ़ रही है और फिर भी अगर आपकी हड्डियों में बहुत तेज दर्द महसूस होता है तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में कुछ न्यूट्रिशन पूरे बराबर नहीं जा रहे, जिसकी वजह से ही आपके शरीर में दर्द होते हैं, थकान लगती है, आलस्य आते रहते हैं। तो आज जो रेमेडी है वह उन सब चीजों को भी ठीक करेगी, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे नेचुरल न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो आजकल की दिनचर्या के अंदर लोग उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपनी डाइट को ऐसा बना लिया है लोगों ने कि पूरे न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाते। ऐसे अगर बात करी जाए तो विटामिन डी की कमी से भी आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है, कैल्शियम की कमी होने से, आयरन की कमी होने से भी हड्डियां कमजोर हो सकती है, कई बार चोट लगने के कारण भी हड्डियों में दर्द रह सकता है, या आर्थराइटिस की समस्या पैदा हो सकती है। शरीर में बहुत सारी वजह होती है जिसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है, लेकिन सही उम्र पे अगर हम समझ ले और अगर कुछ उपायों को हम लगातार सही समय पे करते रहे तो हम जवान रहते हैं, हमारी हड्डियां बिल्कुल सही ढंग से काम करती है। बार देखा गया है कि जब टेस्ट करवाए जाते हैं तो विटामिन B12 की कमी भी आने लगती है। विटामिन B12 क्या करता है, हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे पाचन को अच्छा बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और शरीर में कोई बीमारी उससे नहीं आती। तो अगर विटामिन B12 की कमी भी आपके शरीर में है तो आपके बोन्स कमजोर हो सकते हैं, हड्डियों के अंदर काफी तेज दर्द महसूस हो सकता है, आपके सर्दियों के मौसम में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आप सर्दियों के अंदर इस समस्या से बिल्कुल बच करके रहना चाहते हैं तो एक ऐसी चीज है जिसका सेवन आप अभी शुरू कर देंगे इसी मौसम के अंदर तो सर्दियां तो काफी अच्छी निकलेगी, सही शरीर के और काफी सारी बीमारियां है वह भी नेचुरली ठीक होने लगेगी। आज जो उपाय है वह सहजन का पाउडर, सहजन की पत्तियों का पाउडर आपको बाजार में आसानी से मिल जाता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है, हमारे हड्डियों के लिए तो रामबाण का काम करती है, इसे सुपर फूड भी बोला जाता है। अगर बात करें तो इसे बहुत सारे लोग मोरिंगा के नाम से जानते हैं, ड्रम स्टिक के नाम से जानते हैं, और आपने देखा होगा कि ड्रम स्टिक सांभर बनाते हैं तब भी हम उसमें इतनी बड़ी बड़ी फलियां उसके अंदर डालते हैं, तो ये काफी ज्यादा टेस्टी लगती है और इसका सेवन प्राचीन समय से ही लोग बहुत ज्यादा करते हैं, यानी इसके लड्डू बनाकर खाए जा सकते हैं, इसका पाउडर आप ऐसे ही ले सकते हैं, इसका काढ़ा बनाकर लिया जा सकता है, या फिर इसको कई तरह से आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे सलाद के ऊपर इसे छिड़क करके डाल के खा सकते हैं, छाछ के अंदर इसे एक चम्मच भर करके डाल करके पी सकते हैं। तो मोरिंगा पाउडर हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है और इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, इसीलिए हमारे शरीर की बीमारियों को भी जल्दी से खत्म करते हैं। इसमें विटामिन डी भी होता है, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे ऐसे नेचुरल न्यूट्रिशन है जो कि हमारे शरीर की वैल्यू को कंप्लीट करता है। अगर आपके शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, आपका वात दोष काफी असंतुलित है, तो आपको एक बार जरूर इसका सेवन करना चाहिए। आधा चम्मच पाउडर आपको लेना है, आप इसे सुबह सुबह ले लेते हैं तो आपके शरीर में कभी भी दर्द नहीं होता। जैसे इसे आप पानी के अंदर बॉईल करके भी ले सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही आप पाउडर को खा करके भी गर्म पानी पी सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपकी बोन्स को एकदम से स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी हड्डियों की जितनी भी समस्या है उनको ये सही कर देगा। आपकी उंगलियों के अंदर दर्द रहता है, आपके पैरों से चला नहीं जाता है, आपके घुटनों में, एड़ी में, कंधों में कहीं पर भी दर्द होता है उस दर्द को ये पूरी तरह से कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से आपके दर्द बिल्कुल धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं। ये डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी रामबाण का काम करता है। तो आधा चम्मच आप रोज लेंगे उससे आपके शरीर की और भी बीमारियां इससे ठीक होगी। अगर किसी को बहुत ज्यादा छाले हो जाते हैं, पेट में अल्सर होने लगते हैं तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, यानी उसमें भी ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है।
हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए तो ये रामबाण का काम करता है, आपके हार्ट को मजबूत बनाता है, इसीलिए श्वास संबंधी कोई रोग नहीं होते हैं। लंग्स के डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा काम करता है, लंग्स के अंदर कफ बलगम जमा होने लगता है, आपको बार बार खांसी के साथ बलगम गिरता है, आपको बार बार एलर्जी हो जाती है। इस उपाय को करने से आपकी सारी एलर्जी खत्म होती है। तो लंग्स को डिटॉक्स करना है, हार्ट को डिटॉक्स करना है, डाइजेशन इश्यू है तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा काम करता है। इसमें इतने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे पाचन को बेहतर बनाता है, तीनों दोषों को संतुलित करता है। किसी को कफ बहुत जमता है तो उसमें रामबाण का काम करेगा, पित्त की समस्या है तो उसे सही करेगा, और अगर आपको बहुत ज्यादा वात संबंधित रोग होते हैं कि दर्द बहुत होते हैं, अर्थराइटिस की समस्या है तो उसमें भी रामबाण का काम करेगा। तो बस सिर्फ आधा छोटा चम्मच आपको रोज लेना शुरू करना है और फर्क आप कुछ ही दिनों के अंदर महसूस करेंगे। जैसे इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है तो इसी मौसम के अंदर अगर आप इसे शुरू कर देते हैं तो सर्दियां काफी बेहतर निकलती है, उम्र आपकी एकदम से रुक सी जाती है, आप में शरीर में थकान नहीं आती है, कमजोरी है तो वह दूर हो जाती है और आप खुद एनर्जी महसूस करेंगे। तो आप कुछ भी खाएंगे तो आपका डाइजेस्ट होएगा, आप अगर अच्छे से ठंड में कुछ भी चीज खाने पीने का शौक रखते हैं तो उसे आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। सर्दियों के मौसम में ही सबसे ज्यादा वात दोष असंतुलित होता है, शरीर में दर्द आते हैं, इस उपाय का प्रयोग करना शुरू करते हैं तो आपके शरीर में दर्द भी नहीं आते। तो एक बार अपने शरीर के दर्द को खत्म करने के लिए, हड्डियों को स्ट्रोंग बनाने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। सिर्फ आधा चम्मच रोजाना सहजन की पत्तियों का पाउडर आप ले सकते हैं और लेने के बाद फर्क आप खुद महसूस करेंगे। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखिए कि जिस किसी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर होती है या फिर आपको लगता है कि आपके बहुत तेज जॉइंट्स पेन हो रहे हैं तो आपको चिकनी चीजें और तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। हो सके तो धूप के अंदर थोड़ी सी देर आपको जरूर बैठना चाहिए, आपको मसाज क्रिया जरूर करनी चाहिए जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी नहीं आती। जब भी हमारे हड्डियों के अंदर या तो कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, ऑक्सीजन रुकने लगता है, तभी जा करके और हमारे शरीर में दर्द आते हैं, ब्लड फ्लो पूरी तरह से नहीं हो पाता है तो शरीर में ब्लॉकेज आने लगते हैं। तो हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उम्र भर जवान रहना है, हड्डियों संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए तो आप मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा नेचुरल है और इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल है इसे शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।